हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सौरभ। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब हम लोग टेक्सचर कर लेते हैं, 3D और लाइटिंग करते हैं, तो हमारे जो रेंडर करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ मैंने देखी है, स्टूडेंट जब रेंडर कर करके देखते हैं तो उनको 4-5 घंटे आराम से चला जाता है और उनका काम बहुत ही लेट होता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जल्दी रेंडर करके देख सकते हैं अपने टेक्सचर को, तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स होती है, वो मैं आज की सेटिंग बताने वाला हूँ। इसकी सहायता से आप लोग कम समय में जल्दी जल्दी रेंडर करके देख सकते हो और आप अपना काम फास्ट तरीके से कर सकते हो। तो जब पूरा काम आपको लगे कि ठीक ठाक है यार, टेक्सचर ठीक ठाक हमारा हो गया है, बहुत सही दिख रहा है, अब इसको फाइनल रेंडर जब करना होता है तो अलग एक कुछ सेटिंग करनी होती है, वो किसी और वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए चलते हैं, क्या रेंडर की सेटिंग है जिससे हम जल्दी जल्दी टेक्सचर को रेंडर करके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो चलते हैं अपने 3ds Max पे। तो यहाँ पे मैंने एक रूम का इंटीरियर पहले से किया हुआ है और यहाँ पे मैंने बता दूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल कर्टन लगा हुआ है, एक बेड रखा हुआ है, नीचे मैंने वुडन फ्लोरिंग किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक लैंप रखा हुआ है। और मैंने जो स्टोरेज है यहाँ पे फ्रंट में ना देखे, मतलब ये सामने होता है या लेफ्ट में होता है, मैंने ये पीछे रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टोरेज मेरा है और इसके ऊपर हम लोग जो सामान रखते हैं, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, या कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं या तो वो मैं यहाँ पे रख सकते हैं। इसके ऊपर फिर से मैंने स्टोरेज बनाया हुआ है और ये 10 फीट तक है पूरा स्टोरेज, नीचे से लेकर ऊपर तक। और यहाँ पे मैं बताऊँ, जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये मिरर है और इसके नीचे मैंने एक ड्रॉअर बनाया हुआ है और नीचे मैंने एक बैठने के लिए कुछ है कुशन टाइप का, जो कि हम निकाल के मतलब कंघी उंगी यहाँ पे कर सकते हैं जो भी। और यहाँ पे मैंने एक कैमरा सेट किया हुआ है यहाँ से। अब बात ये आती है कि जब हम यहाँ पे रेंडर करते हैं तो हमारा टाइम बहुत लग जाता है, तो उसकी सेटिंग कुछ है यहाँ पे, तो ताकि हम जब काम करते हैं तो फटाफट यहाँ पे रेंडर हम करके अपने टेक्सचर को देख पाएँ और जब ये पूरा हो जाएगा हम लगेगा सब चीज़ ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फाइनल रेंडर करेंगे। तो उसकी सेटिंग थोड़ी सी अलग है, तो मैं यहाँ पे कुछ और बता रहा हूँ आपको जल्दी टेक्सचर करने के लिए, देखने के लिए रेंडर की सेटिंग क्या क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ से जा सकते हो, ये देखो रेंडर सेटअप है, या तो आप F10 प्रेस कर दो तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे स्कैन लाइन रेंडर आ रहा है, अगर आपने वीरे इंस्टॉल किया होगा तो आपको इस तरीके से कुछ आएगा। तो वीरे इंस्टॉल जब कर लोगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे वीरे RT पे नहीं जाना है, वीरे एडवांस पे जाना है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैं करता हूँ तो कुछ मेरी यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएंगी वीरे की। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे कॉमन, वीरे, GI, सेटिंग और रेंडर एलिमेंट्स। तो पहले हम कॉमन के अंदर जाते हैं। कॉमन के अंदर हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे सिंगल, मतलब कि हम जो रेंडर कर रहे हैं सिंगल फ्रेम में रेंडर करना है, या अगर हम एनिमेशन किया है, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे मूवमेंट वाला शॉट रहता है, तो आपने कितने फ्रेम रेंडर करने हैं, जैसे रेंज 0 से लेके कहाँ तक रेंडर करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी मैं सिंगल कर रहा हूँ, एक ही फ्रेम रेंडर कर रहा हूँ, तो मैंने सिंगल पर रखा हुआ है। इसके नीचे आ जाते हैं व्यू। जब हम व्यू रेंडर करते हैं तो यहाँ पे रीजन होता है और एक ये फुल व्यू, तो मैं फुल व्यू में जा रहा हूँ अभी, तो मैंने व्यू कर रखा है। अब यहाँ पे आउटपुट साइज, आपको साइज़ क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने HD का साइज़ लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी साइज ले सकते हो, जैसे यहाँ पे बहुत छोटा साइज़ यहाँ पे ये ले सकते हो, या इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे साइज़ हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने HD का साइज़ यहाँ पे ले लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है वीरे पे। अब वीरे वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों ऑप्शन में कुछ नहीं है, आप इनको कुछ मत करिए। इसके बाद नीचे जाना है फ्रेम बफर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रेम बफर को ऑफ कर देना है और फिर नीचे आना है ग्लोबल स्विचेस। ग्लोबल स्विचेस पे आपको आना है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट को आपको ऑफ करना है। अब ये कहाँ पे, जैसे कुछ घास वास बनाया तो आप इसको ऑन रख सकते हो। हिडन लाइट को आपको ऑफ करना है। इसके बाद और नीचे आ जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसके बारे में बाद में बताऊँगा कि होता क्या है। इसके बाद आपको इमेज सैम्पलर में यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, इमेज फिल्टर, ठीक है। अब इमेज फिल्टर मतलब यहाँ पे आपको फिल्टर दिया हुआ है, बहुत सारे दिए हैं इसके अंदर, आप देखोगे एरिया, शार्पी, ये
जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ मिचेल का, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करता है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम मिनिमम सब डिवीज़न और मैक्सिमम सब डिवीज़न। तो यहाँ पे मैक्सिमम सब डिवीज़न बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लें ताकि मेरा जल्दी रेंडर यहाँ पर दिखाई दे। इसके बाद आते हैं हम नॉइज़ थ्रेशोल्ड। अब ये क्या होता है कि जितना कम होगा उतना हमारा नॉइज़ यहाँ पे कम होगा। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट अगर मैं कम लेता हूँ तो हमारा नॉइज़ यहाँ से चले जाएंगे, बट हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए मैं यहाँ पे 0.05 ही रखता हूँ। इसके बाद आते हैं ग्लोबल DMC पे। जैसे मैं इसके नीचे आता हूँ तो आपको देख रहा होगा यहाँ पे लोकल नॉइज़ पैटर्न यूज लोकल सब डिविज़न, ये क्या है। तो जैसे ही आप अगर मटेरियल प्रेस करते हो एम, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा बहुत सारे टेक्सचर। जैसे मैंने ये यहाँ पे टेक्सचर लिया हुआ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेरा जो ये है सब डिवीज़न हाईलाइट नहीं है, मैं इसको बढ़ा नहीं सकता। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो मुझे यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे लोकल सब डिवीज़न, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको देखो यहाँ भी बढ़ गया और यहाँ भी, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे रिफ्लेक्शन ऐसे नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ भी रहेगा सब डिवीज़न ऑन हो जाएगा। तो आप इसको ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है इन्वायरमेंट, या आप ऑन भी कर सकते हो ऑफ भी कर सकते हो, तो मैं अभी ऑफ़ कर देता हूँ। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर आपको अभी कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। नीचे आता है कलर मैपिंग। कलर मैपिंग में भी यहाँ पे हमारे कुछ फिल्टर टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सेकेंड वाला रख लेता हूँ। इतना काम करने के बाद आपको जाना है फिर GI पे। GI का फुल फॉर्म यहाँ पे ग्लोबल एलिमिनेशन है, और यहाँ पे आपको जाना है फ्रेम बफर, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखो हाई हो रहा है, आप यहाँ पे लो कर सकते हो या वेरी लो कर सकते हो। अगर आपका PC थोड़ा ज़्यादा स्लो है तो आप वेरी लो कर दो, तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर लो कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सब डिवीज़न यहाँ पर आपको मैं रख लेता हूँ 30, और यहाँ पे कर देता हूँ 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब डिवीज़न कम कर दिया। अब आते हैं हम लाइट, लाइट कैसे। अब यहाँ पे 1000, मैं यहाँ पे आप इसको 120 रख सकते हो, 50 रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ 80। तो ये कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसको। अब आते हैं सेटिंग, ठीक है। सेटिंग के अंदर जाना है हमें, और यहाँ पे जो इस आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कि जब रेंडर होगा तो आपको टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, ऐसा कुछ यहाँ पे चेकर टाइप का दिखाई। तो मैं यहाँ पे टॉप से बॉटम ले ले रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे साइज़, साइज़ में आपको कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो आ रहा है ये है हमारा रैम। अब आपकी रैम आपके सिस्टम में कितनी इनबिल्ड है वो अगर आपको देखना है, तो विंडो ई प्रेस कर लो और राइट क्लिक करो दिस PC पे, और प्रॉपर्टी के अंदर जाओ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे मेरा यहाँ पे 8 GB है, तो मैं यहाँ पे इसको 8 GB कर लेता हूँ। 8 GB करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे करना होगा 8000, 1 2 3, तो मैंने 8000 यहाँ पे कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप आना यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों को अगर आपका चेक होगा इस तरीके से तो आप इनको हटा देना, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे करना है रेंडर। और एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे आपका कितना एरिया कवर हो रहा है, शिफ्ट एफ। जैसे अगर हमें पता नहीं लगता कि कितना करो, तो शिफ्ट एफ प्रेस कर दो तो आपको पता लग जाएगा कितना एरिया आपका यहाँ पे कवर होगा। अब जैसे मुझे पता लग गया कितना एरिया कवर होगा, येलो येलो आउटलाइन आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं रेंडर। तो यहाँ पे मैंने HD का साइज़ लिया है, तो थोड़ा सा लगेगा लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ रेंडर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ, तो ये मैंने थोड़ी देर पहले रेंडर करके देखा तो इसलिए ऐसा आ रहा है। अब देखोगे तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसा आएगा, लेफ्ट से राइट टॉप की तरफ से आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको टाइम लेने देते हैं, ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगा, जल्दी रेंडर हो जाएगा यहाँ पे। तो रेंडर होने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिरर के सामने कुछ रखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मिरर के सामने कुछ ना रखने के कारण यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जब हम मिरर के सामने कुछ रखेंगे तो यहाँ पे मिरर में ये शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टेक्सचर करके रेंडर जल्दी जल्दी देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से लाइटिंग है, किस तरीके से हमारा टेक्सचर यहाँ पे विजुअल हो रहा है।
तो ये थी इसकी कुछ सेटिंग की, इसकी सहायता से हम लोग जल्दी जल्दी रेंडर करके देख सकते हैं, तो अपने काम को बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।